टेन अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन आई, टॉप टेन नॉर्मल विजन। दोस्तों क्या आपको पता है ह्यूमन की नॉर्मल विजन कितनी होती है? दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, इंसान की नॉर्मल विजन 20x20 होती है, यानी इंसान आसानी से बिना किसी डिस्टर्बेंस के 20 फीट दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। टॉप 9 टीयर। दोस्तों आप लोगों के आंखों में कभी ना कभी तो आंसू आए होंगे। आप लोगों को लगता होगा ये सिर्फ पानी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें आंसू में चार चीज़ें मिली होती है, पानी, फैट, शुगर और प्रोटीन। दोस्तों आंसू आइस को हेल्थी रखने में मदद करती है। टॉप 8 विजन रेंज। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आपकी विजन रेंज कितनी है, यानी आपकी विजन रेंज की डिग्री कितनी है, तो दोस्तों आपको बता दें इंसान की विजन रेंज अप टू 200 डिग्री होती है। और दोस्तों आप लोग अक्सर सुनते होंगे ये कैमरा इतनी मेगापिक्सल की है, वो कैमरा इतनी मेगापिक्सल की है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ह्यूमन की आई कितनी मेगापिक्सल की होती है? दोस्तों आपको बता दें ह्यूमन की आई 576 मेगापिक्सल की होती है। टॉप 7 आई ब्लिंक। दोस्तों इंसान एक सेकेंड में 2 से 5 बार आई ब्लिंक करता है और इंसान एक साल में अप्रॉक्स 42 लाख टाइम्स आई ब्लिंक करता है। टॉप 6 आई कैप्चर इमेज। दोस्तों हमारी आंखें ओनली इमेज को कैप्चर करता है, लेकिन हमारा दिमाग उस कैप्चर इमेज को प्रोसेस करता है, उसके बाद हम उस इमेज के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। टॉप 5 कॉर्निया। दोस्तों हमारी बॉडी में कुछ ऐसी पार्ट्स है जहां ब्लड वेसल मौजूद नहीं है, जैसे कि हमारा नाखून और बाल। इसके अलावा दोस्तों हमारे आँख में मौजूद कॉर्निया में भी ब्लड वेसल एब्सेंट है। टॉप 4 फास्टेस्ट रिएक्ट मसल। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत कम पार्ट्स में सबसे तेज रिएक्ट करने वाली मसल्स पाई जाती है, और ये पार्ट से हमारी आंखें, यहाँ सेकंड में हमारी आई मसल्स रिएक्ट करती है बाकी पार्ट्स के तुलना में। टॉप 3 आई स्कैनर। दोस्तों इंसान में आई स्कैनर ज़्यादा सिक्योर होती है फिंगरप्रिंट के मुकाबले। इंसान के फिंगरप्रिंट में 40 यूनिक करेक्टर पाई जाती है, जबकि इंसान के रेटिना में लगभग 256 यूनिक करेक्टर पाई जाती है। टॉप 2 साइज ऑफ आइस। दोस्तों इंसान जब से पैदा लेता है तब से लेकर बुढ़ापे तक उसकी आइस की साइज कांस्टेंट रहती है। टॉप 1 रेटिना। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंसान की आंखें कौन सी कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है? दोस्तों आपको बता दें इंसान की आंखें रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है। और दोस्तों हमारी रेटिना उल्टा इमेज कैप्चर करता है, बट हमारा दिमाग उस इमेज को परफेक्ट पोजीशन में दिखाती है प्रोसेस करने के बाद।